देखिए बैसला जी ने भी अपील करी है कि शांति बनाए रखे सभी लोग, आंदोलन करना अलग बात है पर ट्रेन की पटरियों पर बैठना मैं समझता हूँ कि कानूनी रूप से ठीक नहीं है, और वार्ता के लिए द्वार खुले सरकार के, कमेटी बना दी गई मंत्रियों की, मैं समझता हूँ उनको खुद को आगे आके बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहले भी डायलॉग हुए थे तो कोई कोई बात आगे बढ़ी थी, कई फैसले अच्छे हुए थे इनके पक्ष में हुए थे। अभी सरकार पूरी तरह तैयार है कि किस प्रकार से इनकी भावनाओं का आदर करते हुए फैसले हों, ये हमारी धारणा है। पर आज जो धौलपुर में जो कुछ भी हुआ उसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए, खाली गुर्जर समाज की बात नहीं थी, और वहाँ की प्रशासन पूरी तरह देखेगा कौन कौन उसमें शामिल थे और किस प्रकार से ये घटना घटित हुई, क्यों हुई। जब बैसला जी खुद कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, तो जो भी उनके फॉलोअर हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनको तो उनकी बात माननी चाहिए। किस प्रकार से टेंशन पैदा किया गया और किस प्रकार से आगजनी की गई वो उचित नहीं कहा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही बैसला जी और उनकी टीम आगे आएगी और सरकार के साथ वार्ता प्रारंभ हो जाएगी।